कहते हैं आप सीखा आपके अपने प्लेटफॉर्म हिस्ट्री एंड एजारेफ यूनिवर्सिटी। दोस्तों मैं नितिन सैनी आपसे मेरा स्वागत करता हूँ। ये नई बुक आई है अभी रिसेंटली, काफ़ी सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर राकेश गोमी सर की बुक आई है, इसका रिव्यू कर दीजिए। तो दीक्षित नवीन पाठ्य क्रम पर आधारित अद्वितीय पुस्तक, TGT PGT GIC GDC NVS KVS LD ग्रेड UP HESC नेट GRF प्राचीन भारत इतिहास क्विक रिविजन नोट्स सामाजिक विज्ञान इसके लेखक है सर। की अदर्स किताब से भी आती हैं, आप देख सकते हैं इसका हम रिव्यू कर चुके हैं, चला जाकर विजिट कर सकते हैं। सर का जो मेन डेडिकेशन है वो आर्ट एंड कल्चर्स की को लेकर है और सर उसके लेटेस्ट रिलेटेड बुक्स लिखते हैं। सर का जो रुझान है, सर जो लेखक हैं वो आर्ट एंड कल्चर के हैं, भारतीय चित्रकला का इतिहास सर इस टाइप से बुक्स लिखते हैं जो आर्ट एंड कल्चर से जनरल GRF का TGT PGT का एग्ज़ाम होता है। सर की बहुत सारी बुक्स हैं, इन सब का रिव्यू आपको जल्दी वहाँ चैनल में मिल जाएगा। ये आपको 150 रुपये से 200 के बीच में मिल जाएगी, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। आपको मंगानी तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर है। तो बात करेंगे कि ये बुक कैसे कैसे आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, इसमें कैसा कंटेंट है। तो ये मेनली बुक है प्राचीन इतिहास को लेकर है, लेखक राकेश गोस्वामी सर, इसका ये प्रथम संस्करण है, नवंबर में ही आया है। ये आमुख आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, इसकी विशेष सूची है, इसमें 12 चैप्टर हैं और आपके 186 पेजेस हैं। अध्याय 1 प्रागैतिहासिक काल पाषाण काल, इसमें आप देखेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बोल्ड फॉन्ट में दिखाने की कोशिश की गई है, वो भी बहुत अच्छा है। जैसे महत्वपूर्ण पुरास्थल, ये आपको साइड में बॉक्स बने हुए मिल जाते हैं और इसका जो फ़ॉन्ट साइज है वो काफ़ी उम्दा है अदर्स बुक्स की अपेक्षा। फ़ॉन्ट साइज बहुत ही अच्छा है और जो इसमें आंसर भी दे रखे हैं वो बिल्कुल अलग फ़ॉन्ट साइज में ब्लैक करके बोल्ड करके उन्हें हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। वन लाइन अप्रोच के साथ साथ देख सकते हैं, बहुत मैंने इसे काफ़ी अच्छे से पढ़ा। ये आपका प्री हिस्ट्री का चैप्टर है, इसे अच्छे से पढ़ेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे, फिर आपको बहुविकल प्रश्न मिल जाते हैं। इसकी सबसे अच्छी खास बात, पहले आपको मिलते हैं काफ़ी सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, फिर आपको लास्ट में मिल जाती है उसी चैप्टर रिलेटेड बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं जो आपके आगामी परीक्षा इससे रिलेटेड हो सकती है। उसमें इसमें जैसे 90 हैं हर चैप्टर में, मिनिमम आपको 100 के आसपास क्वेश्चंस, 100 से ज़्यादा भी मिलते हैं। सैंदव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, आदि इतिहास, कांस्य काल, ये आपका सेकंड चैप्टर है दोस्तों। इसे भी आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपको चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आ जाएंगी। इस बुक का मेरे को फॉन्ट साइज़ काफ़ी अच्छा लगा और आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बॉक्सेस से बना के समझाने की कोशिश की गई है। ये आपको बॉक्सेस से बना के समझाने की कोशिश की गई है, देख सकते हैं आप। विद्वान सिंधु सभ्यता के निर्माता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सारणी यहाँ पे आपको सैंदव सभ्यता के प्रमुख स्थल, वर्ष, उत्खननकर्ता, स्थल की स्थिति एवं नदियाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेट GRF में हर क्वेश्चंस कोई ना क्वेश्चंस इस टाइप से आ ही जाता है। इसमें आपको वन लाइन अप्रोच के साथ नोट्स, जैसे कि आप नोट्स बनाते हैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाले, ये उसी अप्रोच में लिखी गई है। ये बहुविकल के प्रश्न आ गए हैं आपके इंडस वैली से रिलेटेड, जहाँ आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चन आपको नए और बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी यहाँ पे हैं, देख सकते हैं। इसमें आपको 138 क्वेश्चन मिल जाते हैं, इससे पहले चैप्टर 90 क्वेश्चन थे। तो इसमें जैसे ही कुछ चैप्टर अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चन यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर 138 हैं आपको। फिर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर वैदिक काल, प्राचीन नाम और संबंधित आधुनिक नाम,
देख रहे हैं आप, तो इसमें आप चीज़ें समझ रहे होंगे कि इसमें आपको बॉक्सेस से हर चैप्टर में मिल जाते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और इसमें हाईलाइट बोल्ड साइज का प्रयोग किया गया है आंसर्स में। जो भी आपको कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, ये बुक आपके लिए जब बेनिफिशियल होगी, जब आपने एकदम से क्विक रिविज़न करना है। इस बुक का ही नाम है, आप देख सकते हैं, क्विक रिविज़न नोट्स हैं आपके, बहुत जल्दी और कम समय में आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने के साथ साथ इसमें आपको काफ़ी सारे 100 क्वेश्चन से अब आप या फिर 100 के आसपास आपको मिल ही जाते हैं। देख सकते हैं आप, ये आपका ऋग्वैदिक काल में आपको 185 क्वेश्चन मिल गए हैं पूरे। फिर आपका धार्मिक आंदोलन, इस टाइप से पूरी बुक डिज़ाइन की गई है दोस्तों। इसमें हर चैप्टर में जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं लास्ट में, ये किताब की बहुत अच्छी खास बात है कि आपको कुछ सेपरेट बुक परचेज़ करनी नहीं पड़ने की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। और मेन ये है कि आपका एग्ज़ाम TGT PGT नेट JRF लेवल का है, और आपको रिविज़न नोट्स चाहते हैं इस टाइप्स के, तो ये आपको बहुत अलग तरीके से चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। किताब बहुत ही शानदार किताब है, आप ज़रूर पढ़ ले सकते हैं। कोई आपको परचेज़ करने की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको नंबर प्रोवाइड करा देंगे, और ये आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से मिल जाएगी। और बहुत शानदार किताब है, राकेश गोमी सर द्वारा लिखी गई है। आपको कोई भी हेल्प चाहिए हमसे, आप कोई बुक का रिव्यू चाहते हैं, जल्दी हमसे बता सकते हैं। हम सर की जितनी भी अदर बुक्स हैं उन सबका रिव्यू हमारे चैनल पर कर देंगे। जो हमारे आर्ट एंड कल्चर्स का एक नया ग्रुप बनाया टेलीग्राम पर, काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए कौन सी बेस्ट बुक्स हो सकती है, तो सबसे बेस्ट बुक चल रही है इस टाइम राकेश गोस्वामी सर की। इन सब का आपको रिव्यू हाँ चलो मिल जाएगा दोस्तों, और आपकी जो भी आगामी परीक्षा हो TGT PGT लेवल की, उन सब में बहुत हेल्पफुल हो रही है राकेश गोस्वामी सर की किताब। आप सभी का धन्यवाद दिल से, और इतना कीमती समय के लिए दोस्तों।